आदित्यपुर क्षेत्र में बढ़ते ब्राउन शुगर के कारोबार और सांप्रदायिक तनाव वाली जगहों के अलावे स्कूल कॉलेजों के समीप रैफ 106 बटालियन और जिला बल ने बुधवार को संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि पहली बार आदित्यपुर में रैफ की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। वैसे राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी निमित्त यह अभियान चलाया गया। बुधवार को रैफ 106 बटालियन और आदित्यपुर पुलिस ने क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में एक मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर बाजार एस टाइप चौक होते हुए सालडी बस्ती माझी टोला शेर पंजाब पान दुकान चौक आदि इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और शांति की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन के सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सेंसिटिव जोन में फ्लैग मार्च निकालने का निर्देश प्राप्त है ताकि कहीं से भी कोई शांति भंग करने की कोशिश न कर सके। उन्होंने बताया कि यह इलाका उनके लिए नया है, इसलिए यह अभियान उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान में रैफ के 55 जवानों ने जिला पुलिस के साथ हिस्सा लिया। ये आदित्यपुर थाने के अंतर्गत आने वाले सेंसिटिव एरियाज जो हैं और जो शहरी क्षेत्र है इसमें फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी तरह का कोई गलत काम करने का कोशिश ना करें। और हमारे लिए भी ये एरिया थोड़ा नया है कि इस एरिए में हम पहली बार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो इस एरिए के बारे में जानकारी भी हमें चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आने वाले 26 जनवरी के हिसाब से भी ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी सांप्रदायिक तनाव होने के चांसेस हैं वो ना हो। सर कितने के संख्या में अभी हम लोग यहाँ पे 55 के आसपास आए हैं, 55 लोग हैं जो यहाँ पे फ्लैग मार्च करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।